ये लड़का कौन है? ये बेचारा कैमरा चलाता है और बच्चा है, ठीक है। पत्ते भी क्या हैं? पत्ते भी क्या हैं? दवाई का काम करेंगे, ठीक है। पत्ते भी क्या हैं? दवाई का काम करेंगे। बस एक दिन, एक पत्ते भी क्या हैं? हमारे पत्ते भी दवाई का काम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पत्ते भी क्या हैं? पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं और देखना जो पत्ते हैं वो भी क्या है बेचारे? दो पवित्र आत्मा से परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा से शुए, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा से शुए जाए, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा से शुए जाए, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा से शुए जाए, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा से शुए। मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य उतरे, तो हमारे जो पत्ते भी हैं वो भी क्या हैं? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, मनुष्यों से नहीं, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। और अन्य भाषा को सीखा नहीं जा सकता, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे कितने भी साल हो। और So, एक हमारा और पत्ता है, इधर आना बच्चा, ये वही रहा, एक बार इसको दिखा, लकी उसको दिखा, वही रहा। रमन सर, एक हमारा ये है बच्चा, ये क्या है? ये वाला कैमरा चलाता है, दिखाना। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो कैमरा चलाते हैं, ऊपर आना रमन, उसको देख। अब इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि अभी पवित्र आत्मा इसको मिला है, जहां मिलेगा पहले ही पवित्र आत्मा ने मिला हुआ है। ये भी दवाई के काम आते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा दवाई भी कैसे काम आती है, ठीक है। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाएं, इन ब्लेस का प्रभु जी, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता। मैं सिर्फ कुछ अभी आप समझेंगे मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा था। वहां पहुंचना,
एक ये कहाँ है ये ड्रम वाला लड़का जो ड्रम बजाता है? तो आप इस बच्चे को आप देखते ही हो, ठीक है, और ये ड्रम बजाता है, ठीक है, और ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हालेलुया, ठीक है। और मैं चाहूंगा इसके लिए भी प्रार्थना करना, आप हमेशा देखते हो इन बच्चों को, प्यारे परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा के स्पर्श ढेल दीजिए, अपने अभिषेक से, अपने अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर पिता, अपने अभिषेक से भर। बरा बरा सकरा दा बरा बरा लकरा दा बिसिकिरी ओरी लिखिरी दी बिसिकिरी बिरी लकरा दा बसकरा बरा बरा लकरा मना मसकरा बा अरे लकरा से बसकरा रा बरा बना मना 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 प्रभु यीशु मसीह दया करे अरे लुइया प्रभु यीशु मसीह रा बसकरा बरा। तो मैं आप लोग क्या चाहते हो कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, मैं सबके सिर पे हाथ रखूं? देखिए हमारे पत्ते भी दवाई के काम आएंगे, हमारे पत्ते भी दवाई के काम आएंगे, मेरा इंतजार मत करते रहिएगा। अभी मैं प्रॉफेट सुमन जा अपोस्टल रमन की बात नहीं कर रहा, मेरे बेटों की बात नहीं कर रहा, मेरे बेटे की बात नहीं कर रहा, ये पत्ते जो हैं ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, दवाई का काम आएंगे। ये पत्ते भी क्या काम आएंगे, दवाई का काम आएंगे। दवाई किसे दी जाती है, बीमारों को, हालेलुया, हालेलुया। और अगर ये जितने भी खड़े हुए हैं ये सब तो आपको मालूम ही है, पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप देखते हैं, इन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बेचारे ड्यूटी पे खड़े रहते हैं, कैमरामैन है, ड्रम ढोल को बजाने वाला है, ये लोग तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से, हालेलुया। सो लाइट चली गई थी, तो ये पत्ते भी क्या करते हैं, दवाई का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ गए पत्ते? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए कितना परमेश्वर जी ने कितना इस बात पे जोर दिया। परमेश्वर जी ने कहा
जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यहीं टिके रहना। और फिर पवित्र आत्मा को भेजा और फिर वो पवित्र आत्मा से भरे, फिर वो पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर की स्तुति करते रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम हालेलुया, ठीक है। और जो हमारे पत्ते हैं वो भी क्या आते हैं? दुआई का काम। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है। और आप लोग कुछ लोग आगे, एक दो तीन चार आगे आगे वाले तीन चार आ जाओ एक बार। यहाँ खड़ी है आप, नहीं तो नीचे चले जाओ आप। यहाँ आगे आगे आप खड़ो, आगे ऐसे नहीं पुत्र, ये आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, सो आप लोग क्या करना पुत्र, क्या करनी प्रार्थना के पवित्र आत्मा जी इन्हें छू ले, ठीक है। क्या करनी प्रार्थना, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, तो सिर के हाथ, सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करनी, एक एक के ऊपर, ठीक है। एक दो के ऊपर तू रख ले, एक दो के ऊपर तू रख ले, दोनों हाथों से, है ना। एक का एक हाथ उसके ऊपर, एक हाथ उसके ऊपर, शॉर्ट में एक हाथ इसके ऊपर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और ये प्रार्थना करनी पवित्र आत्मा जी ने छू ले, प्रार्थना करो सिर को प्रार्थ रखे। आप इस बात को समझें, आपने तो आप इनको पीछे भेज दे, चलो अपनी ड्यूटी पे जाओ फिर, ठीक है। तो आप, आपको जो मैं ये समझा रहा था कि यहां पर चर्च के अंदर क्या है, हर एक व्यक्ति जो इस चर्च के अंदर आकर पवित्र आत्मा में वाली इस चर्च में आता है, वो हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बहुत से लोग चर्चा करते हैं, बहुत से लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं
विश्व जी हाथ लगाते ही पवित्र आत्मा से लोग भर जाते हैं। विश्व जी हाथ लगाते ही क्या होता है, पवित्र आत्मा उन्हें छू लेता है। विश्व जी हाथ लगाते पवित्र आत्मा उन्हें छू लेता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां पर हर एक व्यक्ति जो यहां आता है, जो पवित्र आत्मा से, वो हर एक व्यक्ति जो चर्च के अंदर आता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। इनका काम है, ये चलाते हैं, कैमरे को चलाते हैं, वो लड़का भी काम है, वो कैमरे को चलाता है, ये लड़का छोटे वाला जो है, तो वो क्या करता है, उसके ढोल को बजाता है, वो उस ढोल को बजाता है। और आप इस हालेलुया हालेलुया, कितनी भी कोशिश कर ले शैतान, उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हालेलुया, एसी बंद हो जाए चाहे, पंखे बंद हो जाए चाहे, कोई बात नहीं, नहीं हार ना शैतान ना सी, असी जित जावांगे, नहीं हार ना शैतान ना सी, जित जावांगे। हालेलुया हालेलुया। कोई कोई हारने वाला भी होता है, वो उठकर बाहर चला जाता है, बारह वाले करता हूं, इसका मतलब वो हार गया, जो उठकर बाहर जाता है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग वहां पर बड़े चर्च में प्रार्थना शुरू करेंगे तो ये लोग लाइन लगाकर आगे खड़ा करेंगे आप लोगों के लिए, ले हैंड प्रार्थना करने के लिए, नए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि ये जो पत्ते हैं, पत्ते भी क्या करेंगे, दुआई का काम करेंगे, ये पत्ते भी दुआई का काम करेंगे। हजारों लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होता है, रखता हूं फिर भी कठिन होता है, ठीक है। और यहां पर आप थोड़ा सा तार के साथ तार जोड़कर चेक कर ले करंट है कि नहीं है, जब करंट है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इधर यह कौन है इस साइड पे, उसको दिखाओ रमन, बीच में बच्चा तो नहीं है छोटा, कोई बीच में बच्चा ना हो, है तो साइड पे एक बार कर लो, फिर आप यहीं बैठ जाना, एक बार साइड पे कर लो फिर बैठ जाना आप, बस एक मिनट के लिए ही। तो दोनों लोग आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओ और एक दूसरे के साथ हाथ टच करने हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप देखेंगे। यहां पर आप चलो अपने, बस समय अपना पूरा होता जा रहा है, बस एक एक और इधर से है, आप अपना हाथ ये ऐसे, और इधर से एक जन बलविंदर, एक जन यहां से आपका हाथ लेके चलो,
इधर से हाथ, दोनों तारे आप आगे बढ़ते रहो यहाँ तक आगे तक आ जाओ, आगे आगे आगे, एक हाथ हाथ के साथ हाथ, तो लोगों ने क्या कहा था, लोगों ने क्या कहा था, इन्होंने क्या कर रखा है, पढ़ना वहां से दो अध्याय, उन्होंने कहा इन्होंने तो नशा कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, नशा कर रखा है। आज भी कई लोग जो नए हो सोच रहे होंगे अरे इन्होंने तो नशा कर रखा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, बाइबल में लिखा मैं जो पढ़ रहा हूँ, दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। नई मदिरा के तेज मदिरा जो है शराब है उसके नशे में चूर हैं। ये कहा था। और आप में से कितने लोग हैं, ऐसा करेंगे तो फिर तो बस समय नहीं मिल पाएगा अपने को। आप में से कितने लोग हैं एक दूसरे का हाथ जब टच करेंगे, आपको पता है यीशु मसीह जा रहे थे और 5000 के आसपास भीड़ जो थी किसके साथ थी, पर यीशु मसीह के पास थी, और वो जो भीड़ थी वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी, टकरा रही थी, मान लो पर यीशु मसीह के साथ ऐसे टकरा रही थी, ऐसे टकरा रही थी, समझ रहे हैं। लेकिन वहां एक और औरत आई जो 12 वर्ष से बीमार थी, उसने क्या किया, विश्वास के साथ धीरे से जाके क्या कर लिया, पर यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, तो परमेश्वर मसीह जी रुक गए। परमेश्वर जी ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, चेले क्या कहते हैं, प्रभु जी इतनी तो भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, कोई इधर से साथ लग रहा है, कोई इधर से साथ लग रहा है, कोई इधर से साथ लग रहा है, इतनी तो भीड़ धक्के लग रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ, किसी ने कैसे छुआ, क्या इतनी सारी तो भीड़ है। परमेश्वर जी कहते नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ, विश्वास किसी ने छुआ है विश्वास के साथ है, क्योंकि वहां लिखा क्या लिखा है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। पर यीशु जी कहते हैं क्योंकि मुझे किसी ने क्या किया है, विश्वास के साथ छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। जाने के किसी कार्य के लिए छुआ गया था, पर यीशु मसीह को छुआ गया किस लिए, उस काम के लिए कि मुझे चंगाई मिले। तो उस औरत ने जैसे छुआ तो उससे क्या मिली, चंगाई मिली। बाकी लोग वैसे छू रहे थे, साथ लग रहे थे, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो आप जब आप छुएंगे कि मुझे इसको छूने से क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, पास्टर जी हाथ रखेंगे, पवित्र आत्मा हमें छू लेगा। वैसे तो भीड़ बहुत होती है, कहीं अपने जाते हैं तो कितनी भीड़ होती है, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं छूने से क्या है, पर विश्वास कहता मुझे किसी ने छुआ विश्वास के साथ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। 5000 लोगों में से वो औरत खड़े होकर कहने लगी कि मैंने छुआ था, हालेलुया। बाकी छू नहीं ले रहे थे, बाकी साथ घसर जरूर रहे थे, लेकिन छू नहीं रहे, उसने विश्वास के साथ छुआ था, हालेलुया हालेलुया। ये वैसे खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ इनका हाथ भी टच होगा, लेकिन जब इस बात का ध्यान लगाकर कि अगर इसके साथ हाथ टच हो गया कि आप मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतराएगा, तो उस समय जैसे ऐसे टच भी हो जाएगा तो क्या उतर जाएगा, ये भी आपके बीच में लड़के खड़े हुए हैं, जैसे जो इधर खड़े हैं, वैसे आप आते हो जा रहे हो पानी पीने के लिए या कैसे भी, लेकिन जब आप ये सोचेंगे विश्वास करेंगे कि जैसे इधर ऐसे जाते जाते अगर इसके साथ थोड़ा सा मेरे ऐसे टच हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एकदम मैं पवित्र आत्मा से मेरे ऊपर सामर्थ उतर आएगी, तो ऐसा ही होगा, हालेलुया।